मैं बगैर किसी तमहीद के मैं बढ़ता हूँ सवालात की तरफ, बल्कि क़िबला आपसे ही मैं आगाज़ करता हूँ लोग साहब, फिर हम ज़रा दीगर लोगों के जो सवालात हैं उस पर बात करते हैं। इब्तदान आप आ चुके एक और ताकरात और एक और मुमकिन शब कदर, इसकी फजीलत के उनवान से आप मुख्तसरन बता दीजिए फिर हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम भाई, हर रात की नस्बत तौबा के साथ है और जो ताक रात हो रमज़ान में उसकी नस्बत और बढ़ जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा, ए ईमान वालो अल्लाह की तरफ लौट आओ और सच्ची तौबा करो। मैं तौबतुन नसूह के हवाले से दो जुमले अर्ज़ करना चाहूँगा कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन जनाब अली अलैहिस्सलाम आप इरशाद फरमाते हैं, किसी ने आपसे सवाल किया कि तौबतुन नसूह क्या होती है। सही है, ये बहुत आम है कि तौबा तौबा की हम बात करते हैं, इस्तिग़फ़ार की बात करते हैं, लेकिन आखिर सच्ची तौबा है क्या? हाँ। तौबतुन नसूह क्या है? सही है। तो आपने इरशाद फरमाया तौबतुन नसूह में छः चीज़ें पाई जाती हैं, जब वो छः चीज़ें जमा हो जाएंगी तो फिर वो सच्ची और खालिस तौबा बनेंगी। अच्छा, अच्छा, सबसे पहले आपने इरशाद फरमाया अन नादमु अला मा मदा, कि माजी में जो कुछ कर चुके हो उस पर नादिम हो जाओ। अगर अपने गुनाह पे नदामत नहीं है तो तौबा का आगाज़ ही नहीं होता। तौबा कबूल होना तो दूर की बात है, पहले नादिम होना चाहिए। फिर आप इरशाद फरमाते हैं अल अज़्मु अला तर्किल औद इलैहि अबदा, फिर इस बात का पुख्ता अज़्म करो कि दोबारा मैं वो गुनाह नहीं करूँगा। अगर आप ये अज़्म नहीं करते, वो गफूर रहीम है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया था इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तेरे बंदे हैं, चाहे अज़ाब दे चाहे तू माफ़ करे, तू गफूर रहीम भी है, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर भी है, तू बेनियाज़ भी है। तो इरशाद फरमाया सबसे पहले नदामत जो माजी में हो चुका है, फिर आप अज़म कीजिए, पुख्ता इरादा कीजिए, ये गुनाह मैं दोबारा नहीं करूँगा। और तीसरी चीज़ आपने इरशाद फरमाया अन तुअद्दिया इलल मखलूकीन हुकूकहुम हत्ता तलकल्ला, अल्लाह की मखलूक में से जिसका भी हक मारा है अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने से पहले पहले, मरने से पहले पहले कोशिश करो कि वह हक अदा कर दो। वो माँ का हक है, बाप का हक है, बहन का है, भाई का है, अजीज रिश्तेदारों का, जहाँ भी जो भी हक है, वो हकूक जब तक अदा नहीं करोगे, जिसका हक मारा है जब तक वो दिल से मुआफ़ नहीं करेगा, मेरा रब भी मुआफ़ी नहीं अता फरमाएगा। और चौथा आपने इरशाद फरमाया जब अल्लाह के बंदों के हकूक अदा कर लो तो फिर अल्लाह के हकूक जो रह गए हैं, जो नमाज रह गई, रोज़ा रह गया, ज़कात रह गई, हज रह गया, या अल्लाह के हकूक में जो भी ज्यादती इंसान से सरजद हो जाती है, गुनाहों में इसराफ हो जाता है, तो फिर अल्लाह की तरफ भी पलट के आओ और सच्ची तौबा करो और कहो मौला मैंने पहले तेरे बंदों के जो हक मारे हो तो इसे माफ़ी मांगता हूँ, फिर तेरे हकूक भी पूरे करता हूँ। और फिर आखिरी चीज़ जो आपने इरशाद फरमाई, यकीनन वो आज की रात का हासिल भी है और बंदा मोमिन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपने इरशाद फरमाया अन तामिदा इलल्लह में अल्लज़ी नबता अल सुहत कस्ब हरामिन फतुज़ीबहु बिल अहज़ान हत्ता यलसिकल जिल्द बिल अज़म, आपने इरशाद फरमाया कि गुनाह की ज्यादती की वजह से तेरे वजूद पे जो ऐसा गोश्त आ गया है जो कस्बे हराम से है, जब तक तू उसे जाया नहीं करेगा और तेरी हड्डियां और जिल्द मिल नहीं जाएगी और दोबारा अल्लाह की इताअत से तू जवानी नहीं पाएगा, उस वक्त तक तेरी तौबा कबूल नहीं हो सकती। और आखिर में आपने इरशाद फरमाया जिस तरह सारी जिंदगी तूने अपने आप को मासीयत का आदि बनाया है, अब जो जिंदगी रह गई है जब तक इताअत का आदि नहीं बनाएगा तो वह सच्ची तौबा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। तो आज की रात जो वो खालिस तौबा का मेरे रब का हुक्म है, और जो ये खालिस तौबा कर लेता है मेरा रब फिर उसकी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ फरमा के दुनिया में रहमतें और आखिरत में जन्नत की नेमत अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहना है, वाह सुभान अल्लाह।